ख्वाजाखेरी धाम के महंत जयराम दास त्यागी जी ने दमोदिहा थाना में एक शिकायत करते हुए पथरिया के पूर्व मंडी अध्यक्ष खलकराम पटेल के बेटे मुकेश पटेल और उदय पटेल पर उनके साथ मारपीट करने और उन्हें पेट्रोल डालकर आग लगाने का शिकायत की है। और इस शिकायत के बाद पुलिस ने सक्रियता के साथ मामले को दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। त्यागी जी ने बताया, महंत जी ने बताया कि वहां पर ख्वाजाखेरी में जो दुकानें हैं उनके किराए को लेकर के विवाद चल रहा है और खलकराम पटेल के बेटे उस पर अधिकार चाहते हैं, मंदिर पर अधिकार चाहते हैं। महंत बनने के दौरान भी इन्होंने अड़ंगे डाले थे और इसी वजह से काफ़ी लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं किराया मांगे जाने पर और दुकानें ना खोले देने जाने के चलते उनके द्वारा मारपीट की गई और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। यह आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है, साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। आइए जानते हैं क्या कहा मंत्री जी ने और पुलिस CSP ने क्या जानकारी दी। पानी अरे अरे हमारा दुकानों का कोई किराएदार से किराए को लेकर कोई बात थी, हमने किराया मांगा तो उसने गांव की जो खाप पंचायतें होती हैं अक्सर हरियाणा पंजाब में जो चलती हैं, तो यहां पे खलकराम पटेल हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष, जब हमारे यहां पे मेहनताई समारोह हुआ था तभी से कुछ ना कुछ हमारे साथ में घटना दुर्घटनाएँ छोटी मोटी करते रहते हैं। एक बार और इनका बड़ा लड़का उदय रात में दारू वारू पी के हमको बोला बाहर निकलो, तो हम मौके पर थे नहीं, हम दमों गए हुए थे। और कल रात में इनके लड़के ने हमको बोला कि हम यहीं कहीं आपको गड़ा देंगे, और हमारे पिताजी का बोले वर्चस्व है, हमारा चलाव चलेगा इस गांव के अंदर, और हमारे पिताजी का निर्णय है कि तुम इससे किराया नहीं ले सकते हो, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सुबह इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया। कितने लोग थे जिन्होंने पेट्रोल डाला आपके ऊपर? चार लोग थे, मिट्ठू ने और उसके लड़के ने हमको लात घूंसों से और गेट में हमारा सिर मारा पकड़ के, और फिर पकड़ो बोले, इनने हम पे पेट्रोल छिड़का। महंत जी बोले कि विवाद कितने लंबे समय से? और विवाद तो हमारी मेहनताई के समय से ही, ये लोग ये क्या संतों की साला रही है, बरमान बड़ा मंदिर से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे बरमान से ही कोई भी महंत नियुक्त होते हैं, तो इस समाधि पे बूढ़े बाबा दद्दा जी की सेवा में हमको अवसर मिला सेवा करने का, और ये लोग चाहते थे कि हाँ हमारा वर्चस्व बना रहे। और पूर्व जो महंत जी थे राम दुलारे दास जी, उनसे भी इन लोगों ने 5 लाख रुपए जबरदस्ती यज्ञ के नाम पे हड़पे थे, और बचे हुए 10 लाख रुपए पता नहीं चला इनने क्या किया क्या नहीं किया, और मतलब उसको है ही नहीं, उसका कोई सबूत ही नहीं है। कल क्या हुआ था मंत्री? आज जो सभी आप बता रहे हैं आज क्या हुआ था? आज हम बताए ना कि कितने बजे की बात, ऐसे ही 8, 8:30 या 9 बजे होंगे। कौन आया? तो ये मिट्ठू ओन सब दुकान के सामने बैठे थे, हमने मना कर दिया था कि आप किराया नहीं दे रहे, दुकान नहीं खोल सकते, तो बाजू मम्मी कुर्सी डाल के बैठे हुए थे, तो फिर हम अंदर चले आए गेट के, तो फिर ये लोग फोन ऑन इनके हुए होंगे जो भी हुआ, हम अंदर चले आए थे, तो उधर से मिट्ठू आए बोले हैं इतने मुकेश और उदय आ गए, बोले मारो क्या इसको, बोले सारे बहुत हो गए 8-9 महीने हो गए इसको झेलते, इसको बोले सारे को आग लगा दो, बोले पुलिस मुलिस को तो बोले हम जेब में रख के घूमते हैं, बोले पेट्रोल कौन लेके आया था? पेट्रोल इन्हीं के हाथ में था मुकेश उदय के। महंत जी कौन से मंदिर का मामला और कितने पैसे का विवाद आ रहा है सामने? पैसे का कोई ज़्यादा विवाद नहीं, किराए का मात्र, हम 1,000 रुपये महीना सब किराएदारों से लेते हैं, तो हमने ये मिट्ठू के लड़के को भी बोला भाई आप भी 1,000 दो। मंदिर कौन सा है? मंदिर लक्ष्मी नारायण राम जानकी मंदिर है, बड़ी साला बजती है दद्दाजी धाम, आपके दमोह जिले का प्रतिष्ठित एक साला है, आश्रम है, और आस्था रखते हैं पूरे दमोह जिले के लोग लगभग यहाँ पे। पंडित जी और क्या कारण लग रहा है आपको?
बस कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग किसी प्रकार से एन कैन प्रकार हमको यहाँ से हटा के खुद वहाँ पे काबिज होना चाहते हैं। एक कमेटी बनाई थी नहीं कि जो पैसा बचा था ना किसी को हिसाब दिया ना कुछ किया, और वो पैसा भी ये लोग चंपत कर गए हैं। आपसे भी कुछ पैसों की मांग कर रहे हैं क्या? हमको धमकी देते हैं, सीधी मांग है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी साला है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ ज़मीन लगाई है, तुम कैसे यहाँ मेहनत बन सकते हो। ज़मीन कितनी है पंडित जी? ज़मीन पूरी रिकॉर्डेड 49 एकड़ ज़मीन है। कितना पैसा आता है साल भर में? पैसा क्या आता है अभी इसकी जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ मेहनत बने थे तो जो पूर्व मेहनत श्री राम दुलारी दास जी थे, ज़मीन इन्हीं लोगों को खेती करने के लिए दे दिए थे। अब वो पैसे न दिए या नहीं दिए, क्योंकि मेहनत जी कोई रिकॉर्ड छोड़ के नहीं गए, ना इन्हें पैसे दिए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड है कि इन्हें खेती ली है उसका पैसा दिया है या नहीं दिया, क्योंकि खेती अभी यही लोग कर रहे हैं। एक साल के लिए इन्हें नीलामी में लेती है और इनका कहना है कि पैसे हमने दे दिए हैं तो हमने उस पर कभी मांग नहीं करी। भाई अब मेहनत जी तो है नहीं है जो बताते कि दिए या नहीं दिए हैं, अब इनका जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो हमने कभी आपको कितना समय हो रहा है? हमको अभी यहाँ हमारी 13 मई को यहाँ मेहनत आई हुई थी, 1 मई को मेहनत जी शरीर छोड़े थे, 13 मई से हम यहाँ हैं। तभी से विवाद की स्थिति बनी हुई है। हाँ, हमारी मेहनती मेहनताई में भी इन लोगों ने अड़ंगे डाले थे बहुत प्रकार के। देखिए, ख्वाजा खेड़ी में महंत जयराम दास जी त्यागी ने आकर अभी थाने पर आकर बताया है कि उनका मंदिर की दुकानों को लेकर और उनके किराए को लेकर एक मिट्ठू पटेल से विवाद हुआ है, जिससे किराया मांगा गया था, किराया ना देने की बात को लेकर उसने विवाद किया। मिट्ठू पटेल और उसके बेटे ने महंत जी के साथ मारपीट भी की है, और इसके साथ साथ उदय पटेल और मुकेश पटेल का भी नाम बता रहे हैं कि चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें कायमी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं, जांच जारी है, और जो भी आगे की कार्रवाई होगी विधिवत वो आवश्यक रूप से की जाएगी। सर, पेट्रोल वाली घटना क्या है? सही है, इन्होंने इसी रंजिश को लेकर ये पेट्रोल वगैरह की महंत जी बता रहे हैं कि ये किराया ना देना पड़े इस बात को लेकर, और अपने क्षेत्र में वर्चस्व बना रहे, इस तरीके की बात उदय पटेल और मुकेश पटेल ने जो है महंत जी को कही। क्या, सर, मौके में कोई साक्ष्य मिला है क्या, पेट्रोल का डब्बा वगैरह या कोई सामग्री वगैरह? टीम तलाशने में लगी हुई है, और जो भी इसमें मौके से साक्ष्य मिलेंगे वो जरूर संकलित किए जाएंगे। खरगराम पटेल के नाम से जोड़ रहे हैं? नहीं, खरगराम पटेल के दो बेटे हैं, उदय पटेल और मुकेश पटेल, जिनका ये महंत जी नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने इनसे विवाद किया है, और अब एक तरीके से वर्चस्व की बात बोली है। कौन है खरगराम पटेल? कौन है? पूर्व मंडी अध्यक्ष बता रहे हैं। सर, अभी कोई आरोपी पकड़ेगा? नहीं, अभी तत्काल रूप से तो कोई आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, FIR के पश्चात जो है ना इनकी पतारसी और इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा।